दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल वीरवार को गुरुग्राम के ओल्ड जेल चौक स्थित डंपिंग ग्राउंड में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे, जहां पहुंचते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सफाई व्यवस्था में खामियां नजर आई और इसके चलते ही इको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कूड़े का उठान व निपटान सही ढंग से ना करने पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से 25 लाख रुपये का जुर्माना किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम प्रदेश की आइकन सिटी है, इसमें साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई हुई है, जिसके तहत कंपनी को डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन डंपिंग पॉइंट से प्रतिदिन कूड़ा उठाना व कूड़े का उचित निपटान सुनिश्चित करना शामिल है। कुछ शिकायतें हमको पहले मिली थी स्वच्छता अभियान के नाते से, और डंपिंग बहुत जगह पर कूड़े की हो रही थी। जो कंपनी है उस कंपनी को इतना उठा लेना चाहिए था अपना मलबा, और जो जहाँ जहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं वो डंपिंग साइट से उठाते नहीं हैं। आज मैंने एक जगह जाकर खुद निरीक्षण किया और बहुत बड़ा ढेर वहाँ मुझे देखने को मिला, तो कंपनी के ऊपर उन्होंने 25 लाख रुपये जुर्माना भी कर दिया और आगे से भी कॉरपोरेशन के लोगों का एक टीम बना करके और हर दिन उसका सर्वे करके जो भी कमी पाई जाएगी उस कंपनी के बारे में विचार करेंगे कि उसको लगातार किस प्रकार से अपना स्वच्छता अभियान में और डंपिंग स्थानों के ऊपर मलबा उठाने का अपना काम जारी रखे, इसको सुनिश्चित करेंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।